अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ पे चल रहा है खाना, खाना बन रहा है रात का। बना रही थी जोया, ठीक है, तो जोया बना रही थी पुलाव। जोया ने कहा आज मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल में। अम्मी ने कहा चलो मर्जी भैया, जी लो अपनी जिंदगी, बना लो आज। अच्छा, अम्मी ने बनाने जा रही थी मटर पुलाव और मैंने ही कहा था मटर पुलाव बना लें, तो फिर मैंने बोला अम्मी रहने थे कुछ ना डिफरेंट सा, मतलब मटर पुलाव ही बनेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में, वही सिंपल वाला नहीं बनाएंगे। तो फिर बस क्या किया है मैंने, प्याज को फ्राई करने के लिए रखा था, उसके बाद जो खड़े गरम मसाले होते हैं वो डाल दिए थे, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको फ्राई कर लेंगे। खड़े और... नहीं साबुत गरम मसाले डाले थे। अच्छा, ये खड़े नहीं होते अच्छा, खैर एक ही बात है यार, खड़े हो या साबुत हो, होते नहीं, तो साबुत अलग होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इसी तरह से पुलाव बनता होगा, हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है, मतलब उसमें कोई भी मिर्ची वगैरह नहीं ऐड करते। इसमें जो है हरी मिर्ची, कुटी की मिर्ची और भी बहुत कुछ ऐड करेगी, तो आप लोग देख लें। हाँ, देख लीजिए। अच्छा, मैंने बोला कुछ डिफरेंट अंदाज में बना लेते हैं क्योंकि वही सेम बनता है, वो लास्ट टाइम भी बना था, मैंने बोला कुछ इस तरह डिफरेंट टाइप का बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, और जैसी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम डाल देंगे खूब सारे से मटर, जो कि हमने बहुत सारे फ्रीज करके रखे थे अच्छा, खैर इसमें इतने मैंने अंदाजन डाले थे क्योंकि मुझे तकरीबन आधा किलो टाइप इस तरह के 3 पाव चावलों के हिसाब से डाले थे। तो ये हमारा एक प्याला है जिसका हमने मेजरमेंट रखा है, यानी कि 2.5 कप के बराबर आएंगे मटर, तो जोया ने वो ऐड कर दिए, जो मेजरिंग कप होता है ना उससे नाप के आप कह रहे हैं 2.5 कप के बराबर। नहीं, मैंने मेजर नहीं किया था, मैंने अंदाजा बता रही हूँ, मुझे पता है, तो इतना आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और बस उसके बाद इसमें मैंने अच्छा थोड़ा नमक ऐड किया है, मैं ज़्यादातर जब भी खाना बना रही होती हूँ तो फिर मैं ज़रा हाथ हौला हौला रख के नमक डालती हूँ क्योंकि ये मुझे डर होता है कि नमक तेज़ ना हो जाए, तो बाद में भले ऐड हो जाए फिर जब अगर तेज़ हो जाएगा ना तो फिर निकाला नहीं जा सकता। अच्छा, खैर मटर हमारे भुन चुके हैं, अब इसके बाद इसमें मैंने पानी डालकर इसको गलने के लिए रखा, फिर मुझे याद आया अरे मुझे तो बघार करते हुए कुटी हुई मिर्चें डालनी थी, तो खैर वो फिर मैंने ऐड कर दी थी, तकरीबन 1/4 चम्मच के बराबर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब इसे मिक्स करूँगी, फिर से याद आएगा अरे एक और चीज़ डालनी थी वो भी भूल गई, तो फ़ौरन मैं डालूँगी, क्या डालूँगी, वो डालूँगी मैं चिकन क्यूब, क्योंकि मैंने बोला कुछ डिफरेंट बनाएंगे ना, तो हमें चिकन का भी फ्लेवर चाहिए, इसलिए जोया ने इसके अंदर नमक कम ऐड किया था। सही है, ये ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद इसे मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी कि मटर थोड़ी सी पकनी स्टार्ट होगी, इतने में फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। आलू तकरीबन मैंने 3 अदद ले लिए थे और बस उसे मोटा मोटा कट कर लिया था क्योंकि पुलाव में ना बारीक वाले आलू अच्छे नहीं लगते सॉरी। अच्छा, खैर बस इसे मिक्स किया और बस इसे पकने के लिए छोड़ देंगे कि आलू और मटर आराम से गल जाएं और उसके बाद इसमें चावल चले जाएंगे। बड़ा ही सिंपल वाली रेसिपी है, कोई इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा नहीं, जब आलू गल जाएंगे ना तब उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, ऐड करूँगी हरी मिर्च, ऐड करूँगी क्योंकि ना मेरा दिल चाह रहा था कुछ अच्छा, इसमें मुझे हल्दी ऐड नहीं करनी थी क्योंकि ना कलर मुझे वो पीला वाला नहीं चाहिए थे, मुझे था ये इसका कलर भी ज़रा अच्छा सा सफ़ेद सफ़ेद वाला रहे लेकिन बने भी बहुत मज़ेदार सा पुलाव, और वाकई बहुत अच्छा सा पुलाव बन के तैयार हुआ था, जो मैंने सोचा था शुगर उसी तरह का बन गया था कभी कभार होता है मेरा दिमाग होता है कि चलो बनाते हैं, तो फिर मतलब एक पिक्चर होती है ना आपके माइंड में कि यार इस तरह का मतलब शक्ल निकल के आनी चाहिए और वैसे ही बन जाए तो फिर क्या ही बात होती है, तो कुछ उसी टाइप का बन गया था, तो जोया बहुत खुश हुई थी, चलो यार जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हो गया। हाँ, खैर मैंने हरी मिर्ची और टमाटर ऐड कर दिया है, अब जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, हरी मिर्ची भी थोड़ी नरम पड़ जाएंगी, तो हम इसे भूनेंगे, भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे चावल जो कि मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिए थे, और बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं, वही सेम जो हम इम्तियाज़ वाले यूज़ करते हैं वही वाले यूज़ कर रहे हैं, बस इसे डालूंगी और पानी उसी हिसाब से, मतलब 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी पुलाव बनाने के लिए, तो बस उतना ही पानी ऐड करेंगे, अंदाज़ा चेक कर लेंगे और बस हमारा ये ज़बरदस्त सा ना पुलाव बन के तैयार हो जाएगा फटाफट वाला। तो कैसी लगी मेरे अंदाज में ये मटर पुलाव की रेसिपी, ज़रूर कमेंट करके बताएगा, वैसे तो आप लोग इस तरह बनाते ही होंगे। असल में हमारे घर में ना ज़्यादातर क्या होता है, प्लेन वाला बनता है कोई और स्पाइसेस नहीं जाते, स्पाइसेस नहीं जाते, इसके अलावा हमारे घर में पुलाव में टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाता, तो खैर मैंने बोला चलो डिफरेंट बनाते हैं। अच्छा, मैंने नमक टेस्ट किया था पानी का, तो नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, और बस ये अब मैं लास्ट चेक कर रही थी, इसको अब दम पे रखूँगी और ये हमारे पुलाव बन के तैयार हो जाएगा
अच्छा आप लोग सुनाएगा, आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है आजकल? इतनी शदीद वाली गर्मी चल रही है जिसकी वजह से इतना हब्स हो रहा है और कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं हो रही। मतलब आजकल वाकई ऐसी डेज जा रहे हैं कि कुछ भी दिल नहीं चाह रहा होता, ना किचन में जाने का दिल चाह रहा होता, ना कहीं और जाने का दिल चाह रहा होता है। ऐसी वाले डेज चल रहे हैं, बड़े ना वो निढाल निढाल टाइप तबीयत चल रही होती है कि ना बस दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी नहीं करने का दिल चाह रहा, बैठे बैठे खाने का दिल चाह रहा है, बस दिल चाह रहा है कि आप बस ठंडे ठंडे मशरूबात बनाते जाएं और वो पीते जाएं, बस वही दिल चाह रहा है। खाने मतलब पीने का दिल चाह रहा है, कुछ खाने का नहीं दिल चाह रहा। ये होता है ना जब बस भूख लग रही है, पेट भरने के लिए जो मिल गया वो खा लिया, इस तरह से कुछ चल रहा है। तो खैर, अच्छा यहाँ पर मैंने रायता बनाया था खीरा और टमाटर का, इसके अंदर मैंने ऐड करी थी लहसुन की चटनी और थोड़ा सा नमक ऐड किया था जो दही के साथ, दही के साथ। और लहसुन की चटनी जोया ने पीसी थी तो बहुत धमाकेदार चटनी थी, सबको मिर्चें लग गई थी यार पता नहीं क्या होता है मेरे हाथ की चटनी पता नहीं क्यों बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत सही वाली तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, बहुत सही वाली इतनी तेज़ होती है, मतलब जो बहुत दिनों तक चलती है। हाँ, बहुत दिनों तक चलती है, क्योंकि ना जो क्वांटिटी ये लोग नॉर्मली खाते हैं ना चटनी, उससे भी क्वार्टर इनको खानी पड़ती है और फिर भी इन लोगों को हो रही होती है। जोया इतनी तेज मिर्चे कर दी, क्योंकि अब ये बोलती मेरा हाथ तेज है नहीं नहीं किसी किसी के हाथ में बात होती है और ऐसा अम्मी कहती हैं कि किसी के हाथ से ज्यादा मिर्चे उठती हैं, किसी के हाथ से कम मिर्चे उठती हैं, तो जोया के हाथ से कम मिर्चे उठती हैं, ये वाली बात है। मतलब जोया कम अगर मिर्चे इसमें ऐड करेगी गुजारा हो जाएगा, तो गुजारा हो जाएगा चलो मिर्चों की बचत होती रहेगी खैर हमने बहुत मज़ेदार सा अपना पुलाव इंजॉय किया था और अब ना आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करेंगे और आपके साथ ना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, बेड वाला एक्सपीरियंस, क्योंकि ना ये वाले एक्सपीरियंस रोज़ रोज़ नहीं हो रहे होते, ये साल में या दो साल में कभी कभार होता है, हमारे साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, और बस आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम अपने अबाय जो हमने परचेज़ किए थे, और आप लोगों के कुछ सवाल थे कि आप लोगों ने अबाय किस तरह के लिए हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने ये दो तो अबाय देख लिए होंगे लास्ट वाले ब्लॉग में, और ये वाले आपको हमने नहीं दिखाए थे, तो अभी आपको दिखा देंगे साथ साथ, क्योंकि हमने काफ़ी अरसे के बाद, बहुत सालों के बाद परचेज़ किए, क्योंकि इससे पहले हम सिलवाते आए हैं, तो हमारा वो एक्सपीरियंस कैसा है। तीन साल से हम सिलवाई रहते हैं, तीन से चार साल से हाँ हम अबाय सिलवा रहे थे, अब हमने तकरीबन तीन चार साल बाद परचेज़ किया अबाय, और रेडीमेड लिए तो हमें ना आदत हो गई है पॉकेट्स की ना, कि साइड पॉकेट्स होती हैं तो आसानी हो जाती है, ज़रा चोर भाई पास नहीं आते, तो इसलिए हम लोगों को ज़रा ना आदत हो गई है, ईजी भी रहता है मतलब थोड़ी देर के लिए भी आपको बाहर जाना है तो आपने पॉकेट में थोड़े बहुत कैश वगैरह रखा और फ़ौरन आप निकल गए, खैर वो आसानी हो जाती है। अच्छा मैं आपको एक एक करके अबाया भी दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको आपके साथ ब्लंडर शेयर करूँगी कि हमारे साथ हुआ एक्चुअली हुआ क्या है। तो आप ये खोल को खोलो। अच्छा ये ना डार्क ग्रीन कलर का है और बस सिर्फ सिंपल ना यूं करके तीन बटन है और सिंपल ना बैगी वाला बाया है, इसमें कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें कोई ब्लेंडर नहीं है, ये वाला रख दो। अब हम दिखाते हैं ये वाला बाया। अच्छा ये जोया का बाया है, वो मेरा था। अच्छा अच्छा कुछ लोगों ने ना कहा था, एक मिनट पहले मैं दिखा देती हूँ बाया, ये वाला सिंपल, कोई इसमें वो नहीं है, और ये सिंपल वाला बाया है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जिप लगी हुई है और यूं करके लाइनिंग्स आई हुई है और कुछ भी नहीं, सही है। तो सिंपल वाले ही अबाय हमें पसंद आते हैं तो वही हमारी चॉइस है, अब ये रख दो। अच्छा जो ब्लेंडर वाली बात है वो आपको दिखाते पहले हैं, पहले अबाया दिखाओ, लास्ट में दिखाएंगे, लास्ट में दिखाते हैं। अच्छा इत्तफाक की बात पता है क्या है कि हमारा इत्तफाकन ये अभी आपको लग रहा है डार्क सा कलर लग रहा है, डार्क तो है लेकिन ये ग्रीन की टोन आ गई है, मतलब चारों हमारे ग्रीन की टोन में आ गए, और ये वाला भी अगर हमें ये दिखे, ये देख पसंद ही ग्रीन के टोन में आया था, ये डार्क ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ है और ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ है, ब्लू वाइट और ग्रीन, और ये पर्पल ग्रीन एंड वाइट ऐसा कुछ है। तो ना इत्तफाकन ऐसे हमने सोचा नहीं था कि हम ग्रीन अच्छा, की टोन पे देंगे। अच्छा ये इस तरह का है, इसमें ना तीन फ्लेयर्स आ रही हैं, तीन लेयर्स आ रही हैं इस अबाय में, और ये कुछ इस टाइप का है इसका, मतलब जो स्लीव्स है ना वो भी इस तरह से आ रही हैं, ठीक है ना, है बहुत मज़ेदार सा। और अच्छा एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, ये थोड़ा सा सी थ्रू है, थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा, ये सी थ्रू है, नहीं अंदाज़ा वहाँ पे हमने चेक किया था, सी थ्रू तो लग रहा था, लेकिन क्योंकि इसमें तीन लेयर्स आ रही हैं तो हम इतना ज़्यादा, हाँ इतना ज़्यादा हमें ये लगा था कि हाँ इतना ज़्यादा हम विजिबल होंगे नहीं, अब बिछा दो बैठ पे ना, फिर मैं इसका ब्लेंडर भी बताती हूँ। अच्छा जोया का भी सेम ऐसे ही अबाया है ये वाला, ठीक है,
और मेरा भी ऐसी है, मेरा लाइट कलर में, जोया का थोड़ा डार्क कलर में। अच्छा ये हमने इसलिए लिया था अबाया क्योंकि ना सर कपड़ा इतना हल्का है और ये हमने वेयर भी किया, 2 दिन पहना तो हमें ना फील ही नहीं हुआ गर्मी में ना कि इसका कपड़ा एक्चुअली बहुत हल्का है, फील नहीं हुआ कि आपने अबाया भी पहना हुआ है ना। बाकी नहीं तो ऐसा होता है कि ना आपको जाहिर सी बात है अबाया पहनना मुश्किल होता है इतनी गर्मी के अंदर। अच्छा ये सी थ्रू है लेकिन ना अगर आपने कुछ लाइट सा कुछ सूट पहना हुआ है ना तो फिर पूरा ही पूरा सूट दिखेगा। मतलब ये कि आप ना इसको शॉर्ट शर्ट या टाइट्स वगैरह के साथ नहीं पहन सकते, कमीज के साथ ही आपको पहनना पड़ेगा। इन शॉर्ट ऐसा होता है ना, हम लड़कियां आराम से नाइट ड्रेस में भी घर से बाहर निकल जाती हैं अबाया पहन के, तो ऐसा कुछ नहीं सी है उसके साथ क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं। एक दिन हुआ था ना, एक दिन हुआ ऐसा नाइट ड्रेस में हमने ये अबाया वेयर किया और उसके बाद मैंने बोला पिया ट्राउजर दिख रहा है आपका यार तो फिर ना ये नाइट ड्रेस पे ना पहन नहीं सकते, वरना ये होता है यार लड़कियां करती हैं कि सुबह उठे हैं हमें किसी काम से जाना है और हमने नाइट ड्रेस अगर पहना हुआ है तो फिर हम अबाया वेयर करते हैं और निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। पहनी हुई थी पता भी नहीं चलता जाहिर सी बात है, लेकिन ना इसको हमने शलवार कमीज से पहन के देखा था तो, और दूसरा ये लेयर्स आ रही थी ना तो हमें लगा कि ना ये कुछ दिखेगा नहीं ना। खैर अच्छा इसका ब्लेंडर बताते हैं। ब्लेंडर ये हुआ, अभी उल्टा करो इसे तभी कर रही हूं, तभी दिखेगा। ब्लेंडर ये हुआ हमारे साथ कि ना अच्छा तो हम लगाते हैं, मैं बताती हूँ अभी जब तक ना सीधा कर रही है मतलब उल्टा कर रही है, अब तक मैं बताती हूँ। हुआ ये था कि जब भी हम अबाया लेते हैं या सिलवाते हैं हम लगवाते हैं पॉकेट्स, कुछ साल से लगवाने लगे क्योंकि हम अकेले बाहर निकल रहे होते हैं तो फिर ये होता है ना थोड़ी सी जो भी है हम ना फिर सामान भी हाथ में होता है तो हमें आसानी हो जाती है पॉकेट से ना, बेसिकली हमारा कैश वगैरह इजीली आ जाता है। अच्छा अब हुआ ये इसके अंदर ना हमने ना पॉकेट्स लगवाई, वहीं से लगवाई थी पॉकेट्स जहाँ से हमने अबाया खरीदा। अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने इसको ना यहाँ से उधेड़ के फिर लगाया जाता है क्योंकि हमें सिलाई आती है तो हमें पता है, ठीक है। तो उधेड़ के उन्होंने क्या करा, वहां से यहाँ से यूं कट करा और उसके बाद मतलब 1.5 इंच इन्होंने कटिंग करके और फिर लगा दिया, उससे क्या हुआ यहाँ से थोड़ा सा फिट हो गया। हमें फिटेड अबाया बिल्कुल भी नहीं पसंद ना, हमें बिल्कुल ढीले ढाले अबाये पसंद है बिल्कुल। अबाये पहनने का मकसद ही फौत हो जाता है, बॉडी फिट जो अबाये होते हैं ना हमें बहुत बहुत जहर लगते हैं। अच्छा ये हुआ क्या था, ये ना दूसरी लगी हुई है। फिर उसके बाद हम घर आए क्योंकि उन्होंने क्या करा था, पॉकेट उन्होंने ऐसी लगाई थी चकोर सा कपड़ा लगा दिया था और इससे भी लंबा ना, तो हमने कहा यार ये तो घुटनों तक आ रही है किस तरह की पॉकेट है ना। तो खैर उसके बाद हमने टेलर को दिया, उनको फिर हमने अलग से पैसे दिए, उन्होंने भी अलग से पैसे लिए थे, इसके पैसे चार्ज किए थे। भाग रही तो फिर दूसरे वाले टेलर को दिया, उन्होंने सोचा होगा कि यार इतनी लंबी इनको शायद आदत होगी बहुत सारा माल पानी रखने की पॉकेट्स के अंदर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी इतनी लंबी लगा दी, ये भी मेरे घुटनों तक आ रही है। एक्चुअली अब आप ना ये देखें ये यहाँ पे आसीन खत्म हो रही है, बहुत से बहुत अबाए की जो जेब होनी चाहिए वो यार होनी चाहिए इतनी सी होती है बस। आपने रखना क्या है, मुश्किल से थोड़े से पैसे रखने हैं, बहुत से बहुत आपने मोबाइल रख लेना है और कुछ भी नहीं रखना होता, ठीक है ना। अब इतनी इन्होंने इतनी बड़ी ये ना देखें घुटने तक आ रही है, और ये चारों अबाए में यही मसला है, सब में यही मसला है। इसकी वजह से एक तो उन्होंने ना एक ही ब्लंडर ये भी किया, आप लोग अगर रेडीमेड अबाया लेना तो प्लीज इसको ना चेक करिएगा कि वो लोग इसकी कटिंग ना करें, उधेड़ के फिर जेब लगाएं, क्योंकि ना जेब अगर आपको लगवानी है क्योंकि जिन अबायों में लगी भी होती है वो तो ऑटोमेटिकली उन्होंने पहले से ही सिलाई करके लगाई हुई है, लेकिन होता है ना बहुत सारी लड़कियां अब लगवाने लगी हैं, कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़कियां होती हैं वो लगवाने लगी हैं, आसानी हो जाती है, आपने थोड़े बहुत जो भी सामान रखना है या पैसे रखने तो उसमें आसानी हो जाती है, आपको बैग कैरी नहीं करना पड़ता स्पेशली। तो ना ये ज़रूर देखिएगा कि जो टेलर है वहां पे वो यहाँ पे कटिंग ना करें। असल में ये वाला अबाया हमारा ना मतलब लूज था, ये बॉडी फिट टाइप का नहीं था अबाया, लेकिन ये मतलब बैगी टाइप का नहीं था। बैगी हो तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर 2 इंच कपड़ा भी कट जाए तो पता नहीं चलेगा, जैसे कि दूसरे अबाये हमारे वो थोड़े ना बैगी हैंगे, लेकिन ये वाला जो अबाया ना ये थोड़ा आप कह रहे मतलब लूज था, फिटिंग का नहीं था, लेकिन ना ये एक बोलते हैं ना इसमें शेप ज्यादा दिया हुआ है, आपको देखने से अंदाजा हो रहा होगा इसमें शेप ज्यादा दिया हुआ है। अब उन्होंने ज्यादा और कटिंग करी तो फिर मसला हुआ, उन्होंने जेब गलत लगा दी, फिर उसके बाद हमने दूसरे टेलर से जाके अपनी ना ये पॉकेट्स लगवाई तो उन्होंने भी माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत उन्होंने लगा हम इसके अंदर पर्स ही घुसा लेते मतलब अच्छा कुछ आ जाएगा, बहुत सारा कुछ आ सकता है इसके अंदर ना। अच्छा खैर उन्होंने जबकि उससे छोटी उन्होंने ना उससे छोटी जेब लगाई, लेकिन ये भी बहुत बड़ी है, अब जोया सही करेगी। अच्छा खैर दूसरी बात ये
उन्होंने यहाँ से 2-2 इंच ना ये कपड़ा काट लिया है, दोनों तरफ से कपड़ा काटा, जिसकी वजह से ना ये ना काफी ज्यादा शेप में आ रहा है और अच्छा नहीं और लगता अच्छा नहीं लग रहा लड़कियों पे कि इतनी ज्यादा शेप में ना अबाया जब पहनी हुए होते ना तो फिर फायदा नहीं है आपका अबाया पहनने का। तो ना मेरा ना दिल बड़ा वो हो रहा था कि यार अपिया ये क्या, अपिया ने बोला अच्छा फिलहाल तुम एक काम करो इन जेबों को ना इन पॉकेट्स को आधा करो, शायद क्योंकि घुटने तक आ रही है तो इसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं आधा करती हूँ, इसकी कटिंग करूँगी इन सारे हबाई में सबकी मैं इसी तरह पॉकेट्स को सही करूँगी। तो आप ये कह रही थी कि ये ना ज़रा ऊंची हो जाएंगी ना ये जो हमारी, तो शायद ये कपड़ा साइड पे हमें फंस रहा है क्योंकि बहुत बड़ा हैगा, इतनी बड़ी पॉकेट्स होती नहीं और है। बहुत सारा कपड़ा, अब देखिए इतना सा साइड पे आ जाएगा कपड़ा तो फिर कहाँ जाएगा, एक तो वैसी फिटिंग हो रही है ऊपर से कपड़ा भी साइड पे आ जाएगा और अगर इसमें हमने रख लिया मोबाइल तो फिर गए। बाकी में बहुत अजीब लग रहा है और ना गलत डिसीजन था हमारा ये, रखा इतना गलत डिसीजन था, वॉलेट रखा, पर्स नहीं रखा, देखे अच्छा छोटा सा मेरा वॉलेट है इतना सा बिल्कुल ना, तो वो मैंने रखा जिस दिन हम लकी वन गए थे ना, तो वो तो बिल्कुल घुटने पे जाकर टच होने लगा वो उस वाले। अब वो उसने मैंने पहली बार पहना था, चेक भी नहीं करी थी पॉकेट्स वगैरह हम लोगों ने ना, तो खैर जब हम घर पे आए तब मैंने चेक करी तो मैंने कहा ये तो बड़ा कुछ ब्लेंडर ब्लेंडर हो गया हमारे साथ, अभी तुम खुद ही सही करो, मैं तो नहीं जाने वाली टेलर के पास, इतने चक्कर लगा लगा के थक जाओ आप। फिर से वो फिर चार्जेस करेंगे ऑब्वियसली, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने एक सिलाई मारने के लिए भी उन्होंने अपने वैसे ही मेरी आप लोगों को पता है मेरी रमजान से तपी हुई टेलर से और जबकि इतना मजे का कपड़ा है ये पहन के आपको एहसास ही नहीं होता कि आपने ना अबाया पहना हुआ है। हाँ। और इसके साथ इन्होंने ये हरकत करी है, अब इसको हम पहनेंगे तो सही लेकिन कम कम पहनेंगे, हमने सोचा ऐसा ना? हमने यही सोचा हम पहले ये सोचेंगे कि हमने अंदर क्या मतलब पहना हुआ क्या है उसके बाद ही हम पहने, क्योंकि हमें पता हम दिखने वाले इसमें से। कसम से इतनी हंसी आ रही थी ना, मतलब शॉर्ट शर्ट पे आप ऐसे नहीं पहन नहीं सकते। अभी ट्राउजर पहन के गई थी ना तो पूरी ना, क्योंकि नीचे का कपड़ा देखे ना आप, आपको नीचे अस्तर नहीं है ना? अरे नीचे वो नहीं है ना, ऊपर तो दिखे यहाँ पे लेयर्स आ रही हैं लेकिन नीचे तो आपको ये दिख रही है ना चादर दिख रही है आपको, दिखाती हूँ एक लेयर इसकी ना ये सही है, एक लेयर यहाँ पर है। हाँ तो ऊपर तो कवर हो रहा है लेकिन अगर आपने ये और ये जो पाँव है ना आपके वो तो पूरे ही दिखेंगे, वो तो पूरे दिखेंगे ना आपको, दिखे चादर दिख रही है ना तो इतने ही पाँव दिखे तो बस तक फिर अल्लाह। खैर हमने सोचा ये शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, आप लोग रेडीमेड अबाई लें तो प्लीज उसकी पॉकेट को ना चेक कर लीजिए, कपड़ा जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि हमारा ना ये बैड एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि इतने साल से ना हम लीलन का कपड़ा ले रहे थे, मोटा दबीस कपड़ा, जिसकी वजह से वो ना ही लटकता है कपड़ा, ना ही वो क्या कहते हैं उसमें आप झलकते हैं, मतलब सी थ्रू नहीं होता बेसिकली, और अबाई पहनने का फिर मकसद ही आपका ना खत्म हो जाता है। खैर बिल्कुल, और दूसरा ये जो उन्होंने कटिंग कर दी ना तो प्लीज चेक करिएगा कोई ऐसा टेलर हो जो उसको उधेड़े और उसके बाद वो खड़े रह के करवाएगा, उधेड़ने वाली बात नहीं, आप बस खड़े रह के वो तमीज के दायरे में वो करे, ना कि अबाई की पूरी सेटिंग ही खराब कर दे, तो ऐसा नहीं आउट हो। हाँ। और अच्छा एक और बात ना शेयर करनी थी आप लोगों से कि आजकल ना व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा लेट हो रहे हैं, मतलब 5-5 दिन का गैप आ रहा है यार, बहुत सही वाली ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही है और ऐसा हो रहा है ईद के बाद से ही जो गर्मी का दौर स्टार्ट हुआ है ना, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बहुत गर्मी हो रही है, 15 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ। जिसकी वजह से हमसे हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहे, तो ना ही हम कोई बाहर जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी बाहर निकलना, घर वाले ही मना कर रहे हैं कि इतनी गर्मी में हालतें खराब हो जाएंगी। और अभी ये जो 4 दिन गुजरे हैं ना, इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी ना, मतलब ना सही तरीके से कुकिंग हुई, ना कुछ काम हुआ घर में, भी कोई घर काम में भी कोई काम नहीं हो रहा। हाँ। कि हम क्या रिकॉर्ड करें और क्या शेयर करें आपको, हमसे खुद नहीं करा जा रहा काम, तो बस वैसे ही बस टुक टुक करके जो दिन गुजर रहे हैं तो गुजर रहे हैं। हाँ ऐसे ही है, व्लॉग नहीं बना पा रहे बिल्कुल ऑब्वियसली, और बहुत बहुत माजरत भाई, आप लोग बहुत वेट करते हैं हमारे व्लॉग्स का, तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग खैरियत से हैं, लेकिन बस क्या करें, थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए यार, बारिश हो जाए ज़रा सी, तो फिर देखें क्या मज़े मज़े के व्लॉग्स आते हैं, और फिर बस मिलते हैं थोड़ी देर में। और जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सुबह सुबह का टाइम है, ये रिकॉर्ड कर रहा था निहाल इत्तफाकन, क्योंकि मैं मेरी सुबह नहीं हुई थी, मैं फ़्रेश होने गई हुई थी तो यहाँ पे आ गई थी भाई हलवा पूरी, और अब्बू की डिमांड पे ये आई थी हलवा पूरी, हम सबका किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था लेकिन अब्बू एक दो दिन से कह रहे थे यार हलवा पूरी खाने का दिल चाह रहा है, फाइनली उन्होंने मंगवा ली हमसे बगैर पूछे। खैर भाई लेकर आ गए थे हलवा पूरी और उसके बाद मैंने फिर निकाली, मैंने निहाल से कहा चलो यार इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि आजकल वैसे ही हमारे कोई
व्लॉग्स नहीं बन रहे हैं क्योंकि सुबह में हम लोग नाश्ता वास्ता तो कर ही नहीं रहे, तो हमारा हमेशा सुबह से व्लॉग बनना स्टार्ट होता है ना, तो सुबह में ही होता है कभी कुछ पी लेते हैं कुछ या मिसिंग मतलब, मिसिंग हो रहा है ना, हाँ कुछ बहुत सारी चीज़ें ना मतलब मिसिंग चल रही है हमारी, तो इस वजह से हमारे व्लॉग का ना आप कह रहे वो लाइन बन नहीं पा रही। खैर हलवा तसलसल टूट गया, हाँ ऐसे ही कुछ हुआ हुआ। अच्छा खैर अब्बू ने मंगवा तो ली थी हलवा पूरी और हमें ज़रा ये हो रहा था कि अच्छा खानी है, खैर कोई बात नहीं हम बैठे इसे खाने के लिए, लेकिन लिटरली हमसे खाई नहीं गई क्योंकि बहुत सही वाली गर्मी हो रही थी और हमसे नहीं खाया गया। और जब ये जितना भी थोड़ा बहुत खाई थी ना हलवा पूरी, उसके बाद हमारी इतनी तबीयत भारी हुई और बस शाम तक ना हमारा पता नहीं था कि हम क्या यार बीपी लो हो जाता है आप जब सुबह ना इतना फ्राइंग कुछ खा लें, सर्दियों में तो चल जाता है खा लिया जाता है, लेकिन गर्मियों के अंदर ना आपसे ये पराठे शराठे और ये हलवा पूरियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, हम लोगों से नहीं खाई जाती। वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और खैर हम लोगों ने उसे कहा आप प्लीज़ पूछ लेते हमसे ना, अब जब उन्होंने मंगवा दी थी तो हम लोग खामोशी से बैठ गए थे खाने के लिए, उस वक्त एतराज़ करते तो अच्छी बात नहीं थी, तो खैर हमने बाद में एतराज़ करा जब हम ना बिल्कुल बेहोश होकर सो रहे थे ना, तो मम्मी ने कहा आपको मंगवानी नहीं चाहिए थी, बच्चे देखे सारे सो रहे, हम सब सो रहे थे। खैर हम लोग बहुत हम लोग बहुत देर तक सोए हलवा पूरी खाने के बाद, और उसके बाद फिर ये हुआ था कि हमें जाना था किसी काम से जाना था, वैसे तो बहुत सारे काम करने थे हमें उस पूरे दिन ना, लेकिन ना वो हम कर नहीं पाए थे क्योंकि हम तो सो गए थे घोड़े बेच के। और फिर ये हुआ फिर हमें शाम में निकलना पड़ा, और शाम में जैसे ही हम पहले बाहर निकले हमने सबसे पहले लिया सोडा क्योंकि ऑलरेडी तबीयत ना थोड़ी सी हैवी हो रही थी, तो बस हमने सोडा ले लिया था थर्स्टी पे से रुक कर, और हमें जाना था तारिक रोड साइड पे, तारिक रोड पे थोड़ा सा काम था, फिर अम्मी का ये था, अम्मी भी साथ गई थी हमारे ना, तो अम्मी का ये था वहाँ पे ना हम इम्तियाज़ चले जाएंगे, एक दो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है तो वो हम वहाँ से ले लेंगे, मतलब ना जो तारिक रोड वाला इम्तियाज़ है ना, मतलब हम जा ही रहे थे तारिक रोड, वहाँ पर हमें थोड़ा काम था, रुकना था वहाँ पर थोड़ी देर, एक दो काम करने थे, तो हमने सोचा हम वहाँ जा रहे हैं तो वहीं की उधर चले जाते हैं इम्तियाज़, क्योंकि फिर इधर उधर जाओ से बेहतर है एक ही जगह से फारिग हो जाएंगे। खैर अम्मी को थोड़ा बहुत सामान लेना था घर के लिए, और आप लोग बताइएगा आप लोग तारिक रोड वाले इम्तियाज जाते हैं या कौन से वाले पे जाते हैं, खैर तारिक रोड वाला काफी छोटा है, भादराबाद वाला उससे भी छोटा है। वैसे हम ऑलमोस्ट सारे ही इम्तियाज जा चुके हैं, और सबसे ज़्यादा बेस्ट ना मुझे लगता है गुलशन वाला इम्तियाज, क्योंकि वो थोड़ा खुला खुला है, वहाँ पे आराम से आप ट्रॉली वगैरह लेके चल सकते हैं, आपने अगर दो भी ट्रॉली ली हुई होती है ना तब भी आपको ना कंजस्टेड नहीं लग रहा होता वाकई, और नाजमाबाद वाला भी छोटा है और भादराबाद वाला भी छोटा है, पहले डीएचए वाला छोटा नहीं है लेकिन हाँ डीएचए वाला अच्छा है, वो अच्छा बना हुआ है लेकिन ना मतलब गुलशन वाले से थोड़ा सा छोटा है। आप लोग बताइएगा आप लोग कौन से वाले जाते हैं, ज़रूर करके बताएगा, जहाँ जा रहे होते हैं ना फिर वहीं की आदत होती है, वहीं आदत की भी बात होती है ना, हम जहाँ जाते हैं हमें याद भी रहती हैं चीजें, वो ना सेक्शंस आपको पता होते हैं वो कि ये राइस का सेक्शन है, ये ऑयल का सेक्शन है, यहाँ से ये चीज मिल जाएगी, ये यहाँ से वो चीज रीच में है, तो ये हो जाता है। अच्छा खैर यहाँ पे गए तो बहुत अरसे के बाद अपिये को मंदी राइस मिल गए थे जो कि बड़े ही जबरदस्त होते हैं, और इत्तफाकन ये बात है ये ना हमें गुलशन वाले इम्तियाज से नहीं मिल रहे थे, तो खैर यहाँ पे इत्तफाकन ही हमारा जाना हुआ था, तो मंदी राइस अपिये ने ले लिए थे, ये सबसे बेस्ट वाले राइस हैं, मतलब ना ये वाले ऐसे राइस मतलब हैं इनके पास जितनी क्वालिटी है ना सबसे ज्यादा बेस्ट यही वाले राइस बनके तैयार होते हैं, और ये मैं अक्सर ढूंढ रही होती हूँ, राइस ऐसी चीज है आप बहुत ज्यादा खरीद के स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि ये साल में एक ही बार मुझे नजर आते हैं और ये एक दो बैग ही रखे हुए होते हैं, गुलशन वाले पे भी अगर दिखते हैं तो अभी पूरे साल में मुझे नजर ही नहीं आए, पिछले साल मैंने खरीदा था ये बैग और अभी मुझे यहाँ दिखा तो मैंने कहा अम्मी ये मैं ले लेती हूँ, अम्मी ने कहा चलो ले लो ये, अम्मी को फिलहाल एक दो चीजें लेनी थी क्योंकि अब ये प्रॉपर ग्रोसरी हमें करनी नहीं थी, एक दो चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी अम्मी को वो खरीदनी थी, क्योंकि फिर ये था कि ना प्रॉपर ग्रोसरी करने जाएंगे ना तब तो हम ले लेंगे ना, तो अभी बस जो है बस वही ले, वही ये होता है कि यार एक दो चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं वो ले लो। हाँ। और तो बस इसी तरह हमारा दिन गुजरा, और आप लोग बताएगा आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं कि नहीं है, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड, आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा, हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।